हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो काफ़ी सारे लोग बार बार रिक्वेस्ट करते हैं सर करंट अफेयर भी करवा दीजिए। आपको पता है कि आपका जो एग्जामिनेशन है लोअर पीसीएस का बहुत ही ज़्यादा पास में आ चुका है, आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको जितने भी आपके जो एग्जाम्स होने वाले हैं, जो कि लोअर पीसीएस हो गया या आपके जो जूनियर असिस्टेंट होने वाले हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए या कोई भी एग्जाम, देखो करंट अफेयर क्या होता है कि सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पर मैं आपको अभी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है लोअर पीसीएस का, तब तक मैं आपको कोशिश करूँगा कम से कम 600-700 जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जनवरी से लेकर के अगस्त तक लास्ट 6 मंथ्स के, मैं आपको यहां पर कवर करवा दूं। तो आज के इस वीडियो में मैं 20 क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। आप लोग बताइएगा कि आज के जो क्वेश्चंस है आपको कैसे लगे और क्या मैं आपको इस सीरीज में आगे और भी क्वेश्चंस दूं। अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करोगे, ज्यादा लोगों तक पहुंचाओगे, तो ये सीरीज जो है चालू रहेगी। अदरवाइज नहीं भी करोगे तब भी ये सीरीज मैं चालू रखूंगा, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वाला है। जितने भी लोग देखेंगे उतने लोग के लिए तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन, पहले पार्ट का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि 11 अगस्त 2019 को मोटर स्पोर्ट में विश्व कप खिताब जीतने वाले पहले भारतीय महिला कौन बनी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए अभी अगस्त लेटेस्ट का क्वेश्चन है, जवाब आप लोग देते हुए चलिएगा। तो देखिए क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है, देखिए जवाब यहां पर आना शुरू हो गया है। तो 11 अगस्त 2019 को मोटे स्पोर्ट में विश्व कप खिताब जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला है वो बनी है भाई ऐश्वर्या पिस्सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर रखिएगा सारे क्वेश्चन को। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो आपसे यहां पर क्या कह रहा है, 13 अगस्त 2019 को कौन भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान एकेडमी की पहली महिला अध्यक्ष बनी। क्वेश्चन नंबर 2 आप सबके सामने है, सभी लोग जवाब दीजिए। क्वेश्चन क्या आपसे कह रहा है कि 13 अगस्त 2019 को कौन भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान एकेडमी की पहली महिला अध्यक्ष बनी। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो काफ़ी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर DDD चंद्रिमा शाह। तो बिल्कुल सही बात है भाई, चंद्रिमा शाह जो है वो बेसिकली पहली क्या बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। क्लियर है सर। और चंद्रमा शाह जो है वो साल 2020 से अपना जो कार्यभार है वो संभालेंगी। क्या पता आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछ लिया जाए कि कब से कार्यभार संभालेंगी, तो ये चीज़ याद रखिएगा साल 2020 से अपना जो है कार्यभार संभालेंगी। क्लियर है। चंद्रमा शाह के बाद थोड़ा सा जान लो कि इनका जो जन्म है 14 अक्टूबर 1952 को हुआ था और 2020 से लेकर के 2022 तक ये भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की अध्यक्ष होंगी। और इसके अलावा और जो चीज़ें यहाँ पर डिटेल मैंने आपको बता ही दिया है, क्लियर है। इसके अलावा ये जो है इससे पहले जो है ये जो चंद्रमा शाह जी हैं इससे पहले राष्ट्रीय इम्यूनो संस्था दिल्ली की निर्देशक भी थी। क्लियर है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपके यहां पर कह रहा है कि भारत ने, देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, भारत ने हाल ही में दिल्ली और अटारी के बीच चलने वाली कौन सी एक्सप्रेस को रद्द किया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारत ने हाल ही में दिल्ली और अटारी के बीच चलने वाली कौन सी एक्सप्रेस को रद्द किया है। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, 11 अगस्त की अभी ये बिल्कुल लेटेस्ट की बात है। तो यहाँ पर एक आपको पता ना कौन सी ट्रेन चलती थी, समझौता एक्सप्रेस, इसको रद्द कर दिया गया है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं समझौता एक्सप्रेस, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। क्लियर है सर। चलिए आते समझौता एक्सप्रेस किसके भी चलता था आपको पता ही है, दिल्ली और अटारी कहाँ पड़ता है आपको सबको कॉमेंट करके बताना है। क्लियर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किस टेलीकॉम कंपनी ने हाल ही में गीगा फाइबर नामक एक हाई स्पीड इंटरनेट सेवा लॉन्च की है। ये तो सबको पता है 5 सितंबर, अभी ये तो बिल्कुल लेटेस्ट की बात है, 5 सितंबर को लॉन्च किया गया किस कंपनी द्वारा। जी हाँ बिल्कुल सही जवाब है, रिलायंस जियो द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रिलायंस जियो ने लॉन्च किया है। चलिए सर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, सभी लोग जवाब दीजिए। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है 12 अगस्त 2019 को वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की कौन सी जयंती मनाई गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। एक जाने माने वैज्ञानिक थे विक्रम साराभाई, आपको पता है, और गूगल ने इनका एक डूडल भी बनाया था। तो बिल्कुल सही बात है, 5 का आंसर आना शुरू हो गया है, 100वीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत को अंतरिक्ष तक पहुँचाने वाले जो वैज्ञानिक थे विक्रम साराभाई, उनकी 100वीं जयंती के मौके पर जो गूगल है उसने डूडल बनाकर उन्हें क्या मान सकते हैं उनको एक क्या बोलते हैं उनके याद में ये चीज बनाया था। क्लियर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 6, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में RACE यानी कि रेस नामक नया उच्चतर शिक्षा मॉडल लॉन्च किया। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में रेस नामक नया उच्चतर शिक्षा मॉडल लॉन्च किया।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, जवाब आ रहा है राजस्थान राजस्थान राजस्थान। तो बिल्कुल सही बात है भाई, अभी ये हाल ही 8 अगस्त की बात है, 8 अगस्त को न्यूज़ अगर आप देखो रोज़ न्यूज़ देखो ना तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो अगर हम बात करते हैं रेस के बारे में, तो रेस नामक जो नया उच्चतर शिक्षा मॉडल जो है ये राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया। अब इसका फुल फॉर्म भी जान लो, रेस का मतलब क्या है, REC फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। तो रिजोनेंस असिस्टेंट फॉर कलीग्स विथ एक्सीलेंस, ये कॉलेज बोल दो, कलीग्स मैंने गलती से बोल दिया, कलीग्स नहीं कॉलेजेस होगा, रेजोनेंस असिस्टेंट फॉर कॉलेजेस विद एक्सीलेंस ये नाम दिया गया है। और इस मॉडल के तहत सरकारी महाविद्यालयों में फैकल्टी तथा चल संपत्ति के वितरण पर बल दिया जाएगा। क्लियर है सर? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या कह रहा है कि हाल ही में छोटे व सीमांत किसानों हेतु एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम क्या है। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का, सभी लोग जवाब देते हुए चलिए। तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर BBB आना शुरू हो गया, तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। जी हाँ दोस्तों, ये जो है बेसिकली हाल ही में सीमांत किसानों के लिए एक योजना शुरू की गई है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। क्लियर सर? तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे थे वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। समझ में आ गया ना? जो इसका रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो CSC आपको जनसेवा केंद्र पता है, वहाँ से आप जाकर के इसका जो क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए एक नंबर भी निकाला गया था 8707766033, ये जो जिला प्रबंधक है वहाँ उनका नंबर है, आप वहाँ से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दीजिए भाई। कह रहा है कि 9 अगस्त 2019 को 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तहत किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। सबको पता है भाई अंधाधुंध को मिला था 66वें जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार थे, उसका ऐलान आपको पता हो चुका है, जिसमें 31 श्रेणियों में नेशनल अवार्ड दिए गए थे, 23 गैर फीचर और 31 फीचर फिल्म में पुरस्कार दिए गए हैं। और यहाँ पर अंधाधुंध को क्या बोलते हैं बेस्ट फिल्म का आविष्कार मिला है। इसके अलावा एक पुरस्कार मिला, आविष्कार नहीं पुरस्कार मिला है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर हम बेस्ट एक्टर की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं आयुष्मान खुराना को मिला है, विकी कौशल दोनों को मिला है। विकी कौशल जिसने जिन्होंने एक सर्जिकल स्ट्राइक मूवी बनी थी उरी, उसके उन्होंने उसमें मेन रोल प्ले किया था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 8 अगस्त 2019 को हासिम अमला ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, वह किस देश से संबंधित है। तो सबको पता है, तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सब लोग जवाब दे सकते हैं आराम से। दक्षिण अफ्रीका जवाब देखे आना शुरू हो गया है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए सर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 का जवाब आपको देना है कि भारत 8 अगस्त 2019 को प्रणब मुखर्जी ने भारत रत्न दिया गया, यह बताना है कि वो कौन से भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं। ये तो आप बता ही सकते हो, भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न मिला है, आपको ये जवाब देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हो सकता है यहाँ पर ऑप्शन दिया हो नीचे, ऑप्शन देखे चलिए, ऑप्शन तो दिया है पहला, तीसरा, पाँचवा या आठवा। 10 का जवाब दीजिए सभी लोग। 10 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो अगर हम बात करते हैं 10 के बारे में तो पाँचवें बिल्कुल सही बात है। तो जो लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं पाँचवें, तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 8 अगस्त 2019 को प्रणब मुखर्जी जी को भारत रत्न दिया गया या सम्मान पाने वाले वो भारत के पाँचवें नंबर के राष्ट्रपति हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पर इसको याद रखिएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन। 2 से 3 क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिए, सीधे क्वेश्चन नंबर 14 पर हम आ रहे हैं, क्योंकि वो आपके काम के नहीं थे या कोई इंपॉर्टेंट नहीं था एग्जाम के दृष्टि से, तो मैंने इसको स्किप कर दिया। 14 का जवाब दीजिए कि किस पड़ोसी देश ने हाल ही में भारत के साथ व्यापारिक संबंध समाप्त कर दिए। क्वेश्चन कह रहा है किस पड़ोसी देश ने हाल ही में भारत के साथ व्यापारिक संबंध जो है समाप्त कर दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है, पाकिस्तान पाकिस्तान सभी लोग जवाब दे रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है भाई, पाकिस्तान यहाँ पर ऑप्शन जो इसका ए है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब दीजिए, 10 अगस्त 2019 को कह रहा है 10 अगस्त 2019 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किस राज्य के लिए मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की घोषणा की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया, झारखंड सबका जवाब ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट बात है सर, झारखंड यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10 अगस्त 2019 को मुख्यमंत्री जो हैं उपराष्ट्रपति जो हैं वेंकैया नायडू जी ने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की घोषणा की है। क्लियर है? इस योजना में क्या होगा कि पहले चरण में राज्य के 15 लाख किसानों को योजना का लाभ दिया जाएगा। क्लियर है सर? और ये जो योजना का शुभारंभ है वो रांची स्थित हरमू मैदान से उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। क्लियर है? आते हैं अगले क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करते हैं, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 7 अगस्त 2019 को सुषमा स्वराज का निधन हो गया, वो क्या थी? सबको पता है भाई, यहाँ पर जवाब देखिए आ रहा है, कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ लोग सी बोल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्यों? क्योंकि विदेश मंत्री भी थी, मुख्यमंत्री भी थी, और सूचना और प्रसारण मंत्री यानी कि दूरसंचार मंत्री भी थी। तो पहली दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री भी थी। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सर? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि 5 अगस्त 2019 को दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज डेल स्टेन ने क्रिकेट के किस प्रारूप से संन्यास लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो टेस्ट 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 यहाँ पर जवाब आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही जवाब है भैया, टेस्ट से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्रिकेट इतिहास के ये सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाजों में इनका नाम आता है, और इन्होंने अलविदा कह दिया टेस्ट क्रिकेट को 5 अगस्त 2019 को। क्लियर है सर? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि हाल ही में किन्हें भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। तो ये सबको पता है, काफ़ी चर्चा में रहा था 370 और 35 से, तो सबको यहाँ पर आंसर तो पता होना ही चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब दीजिए भैया, विश्व स्तनपान सप्ताह। बताइए क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, विश्व स्तनपान सप्ताह हर वर्ष मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा, विश्व स्तनपान सप्ताह है ये बेसिकली हर वर्ष मनाया जाता है 1 से 7 अगस्त के बीच में। याद रखिएगा 1991 से इसको लेकर शुरुआत हुई थी, मतलब महिलाओं के बीच में स्तनपान को लेकर के जागरूकता फैलाने के लिए सब स्टार्ट किया गया था, और आज के समय तक ये मनाया जाता है। ये क्या बोलते हैं, हर वर्ष 1 से 7 अगस्त के बीच में मनाया जाता है। क्लियर है सर? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि हाल ही में पुस्तक सरस्वती सिविलाइजेशन विमोचित हुई, जिसके लेखक कौन है? बताइए सरस्वती सिविलाइजेशन किसके लेखक हैं? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 20 क्या है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। मेजर जनरल जीडी बख्शी। तो जो लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी, इन्होंने ये पुस्तक जो है लिखी है सरस्वती सिविलाइजेशन। क्लियर है? इसका पूरा नाम कभी कभी हो सकता है पूछ सकता है, तो सरस्वती सिविलाइजेशन अ पैराडाइम शिफ्ट इन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। समझ में आ गया ना? ये हाल ही में अभी इसको विमोचित किया गया, यानी कि इसको लॉन्च किया गया आप मान सकते हो। और तो ये बेसिकली जो सरस्वती सिविलाइजेशन है, ये जो किताब है सरस्वती नदी के इतिहास के साथ साथ भारत के इतिहास पर भी प्रकाश डालती है। तो एक जो लोग तैयारी करने वाले हैं वो इस बुक को ज़रूर पढ़ें, नाम देख लो और इस बुक को एक बार ज़रूर पढ़ें। क्लियर है? आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या में वृद्धि को मंजूरी दी है, अब कुल जजों की संख्या कितनी हो गई है? बताइए बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या में वृद्धि को मंजूरी दी गई है, अब कुल जजों की संख्या कितनी हो गई है? चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर, अब 33 हो गया है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सर? तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसी तरह के टेस्ट आपको पर डे मिलेंगे। मैं कोशिश करूँगा, मतलब कोशिश क्या है, ये मेरा पूरा 100% मैं आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर, देखिए मैंने जिस किताब से क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो वहाँ पर तो बहुत सारे गलत गलत आंसर दिए गए हैं आपको। करंट अफेयर की ज़्यादातर किताबों में ना MCQs में गलत आंसर ही मिलते हैं, बट मैं पूरा जो एकदम एक्यूरेट करके लेकर आता हूँ। इसके इस 20 क्वेश्चन के पीछे मैं कम से कम आधे घंटे मेहनत करता हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट जो करेक्ट आंसर है उसका वो लेकर के आता हूँ। तो इस सीरीज़ को देखते रहिएगा, और जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं मैं आपको देता रहूँगा। तो कैसा लगा आप लोग बताइएगा ज़रूर, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।